राज्य सरकार ने नए साल में बेरोजगारों को तोहफा दिया है। सीएम गहलोत ने ये तोहफा दिया है और इसमें लिपिक ग्रेड द्वितीय भर्ती में 603 पद सृजित किए हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से इन अभ्यर्थियों का चयन कर परिणाम भी गुरुवार को जारी कर दिया गया है। इनमें सामान्य श्रेणी के 345 पद, ओबीसी के 223 तथा अनुसूचित जनजाति के 35 पद शामिल हैं। अब इन पदों को शामिल कर एलजीसी वर्ग 2 में भर्ती के लिए गैर अनुसूचित क्षेत्र में 12,601 तथा अनुसूचित क्षेत्र में 726 अभ्यर्थी यानी कि 13,327 पदों पर भर्ती के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड ने अभिशंसा प्रेषित की है। आपको बता दें, प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा लिपिक ग्रेड द्वितीय के पदों पर भर्ती के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा फरवरी 2020 में गैर अनुसूचित क्षेत्र में 10,763 तथा अनुसूचित क्षेत्र में 1,278 पदों के लिए अभिशंसा प्रेषित की थी। प्रशासनिक सुधार विभाग की प्रारंभिक अर्थना से संशोधित अर्थना में कुछ श्रेणी के बैकलॉग के पदों में कमी होने के कारण राज्य सरकार के स्तर पर निर्णय लेकर इन पदों को सृजन का निर्णय लिया था। बोर्ड द्वारा इस क्रम में वर्गवार अभ्यर्थियों का अंतिम चयन कर अभिशंसा 31 दिसंबर 2020 को भेज दी गई है। राज्य सरकार का बेरोजगारों को यह तोहफा, नए साल में बेरोजगारों के लिए यह सौगात। एलडीसी वर्ग 2 के 603 नए सृजित पदों के चयन की सूची जारी कर दी गई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से यह परिणाम जारी किया गया। अभ्यर्थियों का चयन कर परिणाम जारी किया गया।